हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 9 यहाँ पे। बाकी का तो मेरा जैसे सारा काम हो गया है, सफाई बर्तन वगैरह मैंने सारा काम कर लिया और यहाँ पे मैं नहा भी लिया और मैंने पूजा वगैरह भी कर दी है। तो अब ना मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में ना आज मैं आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, काफी दिनों से ना बच्चों के पेपर चल रहे थे तो फाइनली उनके जैसे पेपर आज खत्म हो चुके हैं और आज ना पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल में, तो मुझे स्कूल में भी जाना है बच्चों के। तो आज मैं सबसे पहले तो मैं उनको नाश्ता करा दूंगी और जैसे मैं भी नाश्ता कर लूंगी तो मैं आज ना आलू के पराठे बना रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कभी कभी बनाती हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे बनाने में टाइम लग जाता है। तो बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं तो मैं जैसे सुबह नहीं बना पाती हूँ क्योंकि जल्दबाजी में नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी ही स्कूल में चले जाते हैं। तो आज ना बच्चों ने बोला कि हमें आलू के पराठे खाने हैं, तो इसलिए मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आलू तो पहले से ही जैसे उबाल के छील के छोड़ दिए थे और यहाँ पे मैंने 2 प्याज काट ली थी और 2-3 हरी मिर्च काट ली थी और थोड़ी सी मैंने जैसे लाल डाली इसके अंदर और नमक डाला और मैंने इसको मैश करके छोड़ दिया। और साथ साथ में फ्रेंड, जैसे मैं स्लैब भी साफ करती रहती हूँ और साथ में जो जैसे थोड़े बहुत बर्तन वगैरह होते हैं वो भी साथ साथ में धोते ही रहती हूँ, क्योंकि फिर ना बाद में इकट्ठे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जब तक रसोई में काम करती हूँ तब तक मैं बर्तन वगैरह साथ साथ में सफाई करती रहती हूँ, जैसे स्लैब की और बर्तन वगैरह भी साथ साथ में धोती रहती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने तवा तो चढ़ा दिया और जैसे आलू के पराठे की भी मैंने पूरी तैयारी कर ली, आटा वगैरह लगा के छोड़ दिया है। तो एक साइड मैंने तवा चढ़ा दिया और आलू के पराठों के साथ ना मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैं अब चाय भी चढ़ा के छोड़ दूंगी, तो साथ साथ में जैसे चाय बन जाएगी और आलू के पराठे भी बन जाएंगे तो मैं हाथों हाथ जैसे बच्चों को नाश्ता करवा दूंगी सभी को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने चाय भी चढ़ा दी है और इधर एक साइड मैं आलू के पराठे बनाऊंगी और एक साइड जैसे चाय भी बन जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो जैसे मैं लड्डू गोपाल जी के लिए जैसे सादा पराठा ही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आलू के अंदर प्याज डाल रखी है तो प्याज का भोग नहीं लगता है लड्डू गोपाल को। तो मैं उनके लिए जैसे सादा पराठा बना दूंगी। तो यहाँ पे चीनी पत्ती डाल देती हूँ चाय में और साथ में इधर एक साइड चाय उबल जाएगी और एक साइड मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मैंने ये सूखा आटा ले लिया ये इसको लेकर, और अब ना मैं स्लैब थोड़ी जैसे गीली गीली है तो इसको सुखा लूंगी अच्छे से ताकि आटा चिपके नहीं। तो उसके बाद सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी के लिए नाश्ता की तैयारी कर दूंगी। तो आज मैं सादा पराठा बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सब देखिए फ्रेंड, इधर मेरी चाय भी उबल गई और ये घी ना मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो मैं पहले थोड़ा सा घी तपा लेती हूँ क्योंकि पराठे में लगाने के लिए मुझे घी चाहिए होगा। तो मैंने इधर चाय उतार के और थोड़ा सा घी तपाया है, घी तप गया है और इधर मैंने अदरक डाल दिए चाय में। पराठे बनाना शुरू कर दूंगी, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी वाला सादा पराठा बना दूंगी, उसके बाद जैसे आलू के पराठे बनाऊंगी तो साथ साथ में जैसे चाय भी मेरी उबल जाएगी और फिर मैं बच्चों को एक एक करके सबको खिला दूंगी नाश्ता। तब तक जैसे मुकुल के पापा भी आ जाएंगे और वो भी नाश्ता कर लेंगे, दूध लेके आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जैसे लड्डू गोपाल जी का पराठा बना दिया है और इसके बाद ना मैं आलू के पराठे बनाना ही शुरू कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने आलू के पराठे भी बनाना शुरू कर दिया और मेरी चाय भी यहाँ पे उबलने वाली है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं सभी को नाश्ता कराने के बाद फिर मैं जाऊंगी स्कूल में। जैसे अभी तो 9 बज रहे हैं तो 11 बजे तक है पीटीएम, तो मैं 10:30 बजे तक जाऊंगी स्कूल में। फिर वहां से आने के बाद दिन का जैसे खाना वगैरह बनाऊंगी। तो फ्रेंड, वैसे तो आलू के पराठे खा लेंगे तो लेट ही भूख लगेगी, क्योंकि आलू के पराठे थोड़े भारी होते हैं ना तो जल्दी से पचते नहीं है। तो मैं दिन का खाना जैसे 2 बजे तक ही बनाऊंगी। और यहाँ पे जैसे अब तो मैं सभी को नाश्ता करवा दूंगी, सभी मतलब आलू के पराठे खा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरी चाय तो उबल गई, अब मैंने इसके अंदर दूध भी डाल दिया है और मुकुल ने मुझे दूध ला के दे दिया था तो मैंने दूध इसके अंदर डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए आलू के पराठे भी बन गए। अब मैं सभी को जैसे चाय उबलने की वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं सभी को एक एक करके डालती जाऊंगी, सेकती जाऊंगी और सभी खा लेंगे आराम से अपना। उसके बाद फिर मैं खा लूंगी। फिर उसके बाद फ्रेंड, हम जाएंगे स्कूटी पे जैसे स्कूल में, क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर है तो स्कूटी पे जाएंगे हम। और ना मेरे साथ चुचू भी जाएगी और जो है कि मेरी बीच वाली गुड़िया और बड़ी वाली गुड़िया जाएगी, क्योंकि बड़ी वाली को तो स्कूटी चलानी नहीं आती, इसके लिए बीच वाली को लेके जाएंगे और हम
जैसे 4 जने जाएंगे स्कूल में। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मेरी जो बड़ी गुड़िया है ना, उसका पीटीएम है आज, और उनकी जैसे आज छुट्टी है उन दोनों का, और 2 पेपर और रह रहे हैं, उसके बाद फिर उनके स्कूल का भी जैसे पीटीएम होगा। तो फ्रेंड मैंने सभी को नाश्ता तो करवा दिया, और मैंने भी अभी अभी नाश्ता किया है, और अब टाइम दिन के 10:30 बज रहे सुबह के। तो अब मैं ना सिमरन जो है कि मेरी बड़ी गुड़िया, उसके स्कूल में जा रही हूँ, क्योंकि उसका है आज पीटीएम। तो ये देखिए, मैंने आज ग्रीन कलर का सूट डाला हुआ है, और चुचू ने भी ग्रीन कलर की फ्रॉक डाली हुई है। मैं और चुचू सेम सेम लग रहे हैं। तो देखिए, चुचू ने भी ग्रीन कलर की फ्रॉक डाली हुई है, और मैंने ग्रीन कलर का सूट डाला हुआ है। तो चलिए, आपको भी मैं लेके चलती हूँ सिमरन के स्कूल में। तो चलिए, स्कूल में ही मिलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं स्कूल में, जैसे मेन गेट में हम आ चुके हैं। अब अंदर जाएंगे, और काफी सारे पेरेंट्स आए हैं स्कूल में, क्योंकि आज मतलब सभी +2 तक है ये स्कूल। तो ये सभी का जैसे पीटीएम है, तो आज बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं स्कूल में। तो फाइनली मतलब लगभग तो पेरेंट्स आ ही चुके हैं, क्योंकि 11 बजे तक का ही टाइम है। तो हम 10:30 बजे आए हैं, तो अभी 11:45 होने वाली है, तो 11 बजे तक तो छुट्टी हो जाएगी। तो देख लीजिए फ्रेंड, और मैं आपको बता दूं, ये है गवर्नमेंट स्कूल, और काफी अच्छी फैसिलिटी हो रही है गवर्नमेंट स्कूल में भी फ्रेंड। तो इसलिए आपकी बार मैंने जैसे थोड़े दिन तो जैसे गुड़िया प्राइवेट स्कूल में गई थी, और अब मैंने इसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया है, क्योंकि काफी अच्छी पढ़ाई हो गई है गवर्नमेंट स्कूल की भी। तो फाइनली फ्रेंड, मैं टीचर से तो मिल आई हूँ, और टीचर ने मुझे मार्क्स वगैरह बता दिया सिमरन का, और साइन वगैरह मेरे ले लिए टीचर ने। तो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे हमारा ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, 10 से 15 मिनट ही लगी है स्कूल में। सो फ्रेंड, स्कूल से तो अब हम आ चुके हैं घर पे, और हम आ गए हैं छत पे हमारी, क्योंकि हमें कबूतरों को दाना डालना था आज। कबूतरों को दाना डालने के लिए थोड़ा लेट हो गए हम, तो हम सीधा जैसे स्कूल से आते ही छत पे आ गए, और हमने हमारे कबूतरों को जैसे ये देखे, चुचू दाना डाल रही है इनको, और ये काफी भूखे हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से इनको दाना नहीं चुगाया। 11 बज गई, वरना इनको 9:30 बजे तक हम दाना डाल देते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड हमारे कबूतर। तो ये देखिए, ये ना अंडे पे बैठी है, इसे अंडे दे रखे हैं 2। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय फ्रेंड।